तो देखिए तीसरा चरण और आज देखना देखने को मिलेगा कि आखिर कितना दिलचस्प मुकाबला होगा। देखिए तीसरे चरण का मतदान है और यूपी का रण सभी को इंतजार है, क्योंकि देखिए समाजवादी गढ़ आज जिस तरह से सेंध डालने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की गई है, कितना सफल हो पाती है ये देखना होगा। खासतौर से अगर बात करें करहल की, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ खुद अखिलेश यादव के किस्मत का आज फैसला होगा। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। और देखिए अगर इसका इतिहास, इस सीट का इतिहास देखते हैं, तो 1993 से लेकर अब तक करहल में सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी हारी है। तो ऐसे में बेहद दिलचस्प तस्वीरें यहाँ से हम आपको लगातार पहुंचाएंगे। सीधा मैं रुक कर रही हूँ मीनाक्षी का। मीनाक्षी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि करहल जो है हॉट सीट है, एपिक सेंटर इस बार है, इसलिए भी क्योंकि यहां से एक तरफ अखिलेश यादव जो कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो खड़े हैं, तो उसके सामने एसपी सिंह बघेल हैं। शुरुआत में देखिए माहौल इस तरह के बनाने की कोशिश की जा रही थी कि यहां पर चुनौती नहीं होगी अखिलेश यादव के सामने। खुद भी कह रहे थे कि घर है, घर की सीट है, इसलिए इस सीट को चुना है और नहीं भी जाऊंगा तो भी चुनाव वहां पर जीत जाएंगे, इस तरह का माहौल था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुद मुलायम सिंह यादव भी उनकी तरफ से चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए एसपी सिंह बघेल आए और एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार करने के लिए उतरे अमित शाह और उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। दो बार आपको कह सकती हूँ मैनपुरी और इनका दौरा कर चुके हैं, लेकिन समझना होगा यहाँ पर चुनौतियां क्या हैं। लेकिन देखिए मेरे सहयोगी रोहित हाथरस में मौजूद हैं। हाथरस में क्या हलचल इस वक्त नजर आ रही है रोहित? हाथरस में वही हलचल है जो हर जगह है, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान है और देखिए आपसे कुछ देर में 7 बजे से लोग आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि नेताओं की जनप्रतिनिधियों की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जनतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार तो बात जनता की होगी। आंकड़े अगर आप सुनेंगे, चाहे 2012 हो चाहे 2017 हो, हर बार ऑन एन एवरेज तीनों सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, ये सबसे अच्छी चीज रही। और इस बार ये भी देखना होगा कि इस बार के चुनावों में, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तस्वीर हम देखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम योगी का वोटिंग से पहले ट्वीट सामने आया है, भयमुक्त दंगा मुक्त अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर एवं नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान जरूर करें। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। देखिए लगातार योगी आदित्यनाथ जब भी इसी तरह मतदान होता है उससे पहले जरूर ट्वीट करते हैं, संदेश देते हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया सिंह भी जुड़ी हुई है, प्रिया का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल 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 अंजीत, देखिए यहाँ कन्नौज में मौजूद हूँ। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी का गढ़, इसलिए क्योंकि उन तमाम जिलों में इस बार वोटिंग हो रही है। देखिए एक तरफ से अनिल कुमार दोहरे हैं, तो दूसरी तरफ से यहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर असीम को टिकट दिया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया। अच्छा, चुनावी जानकारी और दूं, लेकिन पोलिंग से संबंधित जो जानकारी है इस बूथ की वो मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये सखी बूथ है। देखिए लोगों में आजकल जागरूकता लाने के लिए तमाम तरह की चीजें अपना जा रही है और ऐसे में यहां पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाया गया है कि आप यहां पर आएंगे तो आप अपनी पिक्चर लेकर के अपलोड कर सकते हैं, लोगों को आप इस तरीके से जागरूक कर सकते हैं। ये वो सेल्फी पॉइंट है कि हर वो मतदाता जो मतदान करने आएगा यहां पर आकर के अपनी सेल्फी ले सकता है। अच्छा, इस वक्त एक महिला डिग्री कॉलेज के भीतर में मौजूद हूं यहां पर, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहां पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। जो मतदाता है वो सक्षम नहीं है अगर चल कर भीतर जा पाने में वोट के लिए, तो फिर इस पर, इस व्हील चेयर पर वो आ सकता है। हालांकि अभी यहां कोई भी मतदाता नहीं पहुंचा है, थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। और कानपुर का वापस हम रुख कर लेते हैं। अंजीत हमारे साथ कानपुर से लगातार बने हुए, कंजीत, अंजीत ओवर टू यू। देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं कि मैं कानपुर में मौजूद हूं और कानपुर में इस वक्त सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मैं तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करूं कि जो सारी तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद 7 बजे जैसे ही वक्त शुरू होगा वैसे ही मतदान भी शुरू हो जाएगा और सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। 10 सीटों के लिए यहां मुकाबला होना है, जिसमें से 7 बीजेपी के पास है, 3 बाकी पार्टियों के पास है, 2 समाजवादी पार्टी और 1 जो है वो कांग्रेस के पास। लेकिन इस बार कई सीटों में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, इसलिए क्योंकि सारी पार्टियों ने लगभग पूरी ताकत झोंक दी थी। और आपको बताएं कि सभी जो बड़े नेता हैं वो कानपुर आए, एक एक करके पहुंचे, उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं।
आने वाले वक्त में आपसे थोड़ी देर बाद, यानी आपको बताया कि 6:31 का वक्त हो गया है और अबसे थोड़ी देर बाद जैसे ही 7 बजना शुरू होगा वैसे ही मतदान शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के सारे इंतजाम है, सारी तैयारी हो गई है और हमने अलग अलग जो आसपास के जो जिले हैं वहां की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सीधे तुषार का रुख करते हैं जो कि इस वक्त फरुखाबाद में। तुषार, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं देखिए इस वक्त फिरोजाबाद में मौजूद हूँ और फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा में मौजूद हूँ। तैयारियों को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ देर बाद यहाँ पे चुनाव शुरू हो जाएगा। पर्यवेक्षक अधिकारी और पीठासीन अधिकारी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और जो बॉक्स है, जो ईवीएम मशीन है, उसकी जांच की जा रही है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो। आप तस्वीरों में साफ देखिए किस तरह से यहाँ पे सभी लोग ईवीएम मशीन को चेक करें। इसके अलावा जो फोर्स है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है, फोर्स भी यहाँ पे तैनाती की गई है। आपको बताऊं तो ये विधानसभा काफी दिलचस्प विधानसभा है क्योंकि 2017 में यहां पर समाजवादी पार्टी से हरिओम यादव जीते थे और वही हरिओम यादव इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी में शामिल है जो कि मुलायम सिंह यादव के समधि भी हैं और इसी वजह से ये सीट काफी दिलचस्प सीट मानी जाती है। मैं आपको ले चलता हूं सैफाई जहां पर हमारे सहयोगी प्रत्युष खरे मौजूद है। प्रत्युष, ओवर टू यू। देखिए मैं आपको ये तस्वीरें यहाँ की एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जसवंत नगर विधानसभा सीट की सैफई तहसील और यहाँ पर सबका इंतजार है कि भाई मुलायम सिंह यादव और उनका पूरा परिवार अखिलेश यादव यहाँ पर वोट करने के लिए कब आते हैं, क्योंकि यहीं पर पूरा जो मुलायम सिंह यादव के परिवार है या फिर उनका कुनबा है उन सबका वोट इसी जगह पर होना है। और यहाँ 11 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव डिम्पल यादव के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, संभवतः उसी समय मुलायम सिंह यादव होंगे। मुलायम सिंह यादव इटावा में ही मौजूद हैं और जैसी खबरें आ रही उसके मुताबिक शिवपाल यादव भी रात के वक्त इटावा पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि सभी का जो प्रोग्राम बना है वो लखनऊ से यहां पर आने का है। मुलायम सिंह यादव केवल यहां पर मौजूद हैं, वो आएंगे। अखिलेश यादव हो सकता है कि उनको साथ लेकर के गेट्स के अंदर जाएंगे और यहीं पर अपर्णा यादव का, जी हां, अपर्णा यादव का भी वोट यहीं पर है। तो इस बार सबकी नजर अपर्णा यादव पर है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी लेकिन उसके पहले जो बड़ी खबर मिल रही है वो दर्शकों तक हम पहुंचा दें। देखिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण भी आज अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। कन्नौज सदर से असीम अरुण चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कन्नौज से असीम अरुण को उम्मीदवार बनाया है। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और वर्दी छोड़कर अब किस्मत आजमा रहे चुनावी दंगल में। कन्नौज में ही प्रिया इस वक्त मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रिया, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ कन्नौज में इस वक्त मौजूद हूँ और यही जानकारी मैं दे रही थी कि जहां से असीम अरुण को जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा गया है भाजपा द्वारा, पूर्व आईपीएस ऑफिसर को जिस पर दाव खेला गया है, अब जो समीकरण क्या है कन्नौज का ये समझ लीजिए। क्योंकि कई तकरीबन 20 साल तक समाजवादी पार्टी का यहां पर दबदबा रहा था, कब्जा रहा था, लेकिन इस बार अब सीधे समाजवादी पार्टी के ऑपोजिट कौन खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी से एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को देखिए मुद्दा भी बनाया गया था। अब देखिए कन्नौज जो इत्रनगरी के नाम से मशहूर है लेकिन बीते दिनों छापेमारी भी बहुत हुई थी, समाजवादी पार्टियों का गढ़ है, लेकिन यहां पर जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो यहां पर अनुसूचित जाति है उसको साधने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है और ये पूरा समीकरण जाति समीकरण बैठाते हुए। बिल्कुल प्रिया, आपके पास लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल करहल में अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर, जी हां, बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से मिल रही है कड़ी टक्कर। जानकारी मिल रही है बीजेपी ने करहल में अपनी पूरी ताकत झोंकी और ऐसे में अखिलेश के घेरेबंदी के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई थी। अब से थोड़ी देर में करहल में मतदान शुरू हो जाएगा और देखना वहां से किस तरह की तस्वीर सामने आएगी, इस पर सबकी नजरें बनी रहेगी करहल से, क्योंकि मीनाक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रीति, देखिए करहल क्योंकि इस बार जैसा कि लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं हॉट सीट इस बार है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल हैं, कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि शुरुआत में माहौल ऐसा नहीं था लेकिन अब माहौल काफी अलग है और देखिए मुद्दे क्या है ये भी समझना जरूरी है। मुद्दे मैं यहां पर कई बार लोगों के बीच गई, मैंने बातचीत की, मैं नाको गई, कंचनपुर यहां पर गांव है वहां पर भी मैं गई, लोगों से मैंने बातचीत की। कई जो बेसिक मुद्दे हैं जो हर तरह से, देखिए महिलाओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा आप कह लीजिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर में करहल सीट पर शुरू होगी वोटिंग। जी हां, करहल में कई बूथ संवेदनशील है और अति संवेदनशील भी है और करहल में बहुत कड़ी सुरक्षा में होगा मतदान। करहल में अखिलेश और एसपी सिंह बघेल में बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और हमारे साथ प्रत्युष जुड़े हुए हैं करहल से। खासतौर पर प्रत्युष, हमने ये तो देख लिया कि यह मुकाबला कितना बड़ा है, लगातार आप वहां से रिपोर्ट करें, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से हर बूथ पर किए गए, थोड़ा अगर आप हमें दिखाएं तो।
देखिए वो मैं इंतजाम जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। मैं कहूँगा राकेश चौहान को कि जरा कैमरा पैन करें यहाँ पर, ये देखिए ये फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं। और ये देखिए अब ये जो पुलिस हमें कह रही है कि अब आप यहाँ से आप बूथ के अंदर से आप बाहर चले जाएं, क्योंकि सुबह से हमने तस्वीरें अंदर की दिखा दी, वो कह रहे हैं कि नहीं अब थोड़ी देर में मतदान शुरू होने वाला है, इसलिए कृपया करके आप लोग सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। तो मैं आपको गेट के बाहर ले जाता हूँ, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार। ये देखिए इसी जगह, चूंकि अब थोड़ी देर में, क्योंकि 20 से 22 मिनट का समय बचा है जब यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा, अब अंदर से मीडिया को बाहर किया गया। ये मैं इस वक्त गेट के बाहर आ गया हूँ। ये अभिनव विद्यालय, राकेश चौहान दिखाए जरा, अभिनव विद्यालय सैफई इटावा। सैफई कोई विधानसभा सीट नहीं है, कहीं दर्शक कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सैफई विधानसभा सीट है। सैफई एक तहसील है, सैफई एक गाँव है जो मुलायम सिंह यादव का पैतृक गाँव है। ये जसवंत नगर विधानसभा सीट के अंदर आता है जहाँ से शिवपाल यादव विधायक हैं, और ये इस सीट पर अखिलेश यादव वोट डालने आएंगे यहां पर, तो वो वोट डालेंगे अपने चचा शिवपाल यादव के लिए। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं करहल सीट से, जो कि मैनपुरी के अंदर आती है और ये इटावा के अंदर आती है। इटावा की 3 में से 2 सीट बीजेपी के पास है, और ये सीट, इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा है। मैं इस वक्त हाथरस रुख करूंगा रोहित पोखरियाल का। रोहित, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल प्रत्युष, हॉट सीट तो जरूर सैफई मैनपुरी इटावा है ही, यादव लैंड वो है, लेकिन हाथरस भी हॉट सीट है। जी हाँ, क्योंकि यहां पर पिछले कई दिनों से हम लोग यहां पर घूम ही रहे हैं ना, जनता की बात कहा होगी, हिंदुस्तान पर होगी, तमाम प्रमुख मुद्दों के साथ साथ विपक्ष के पास कौन सा बड़ा मुद्दा है, आपको याद होगा हाथरस कांड, उसको लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे हुए थे। विपक्ष लगातार इस पूरे कांड को लेकर कह रहा है कि इस बार का जो मतदाता है वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को बता देगा कि क्या कुछ उन्होंने किया था। तो वहीं बीजेपी के जब प्रतिनिधि से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पूरे मामले को लेकर जनता के बीच एक क्लियर तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे, तमाम कार्यकर्ता जनता के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और उन्होंने एक क्लियर पिक्चर रख दी है। फिलहाल देखना हो, क्योंकि दावे और वादे तो लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मुख्य समस्याएं हैं, सड़कों का चौड़ीकरण, ट्रैफिक जैम की समस्या, साफ पानी, सीवेज, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी आज जब जनता मन निकलेगी अपने घरों से मतदान केंद्रों तक, उनके मन में वो बात रहेगी। देखिए रोहित, मैं इस वक्त बुंदेलखंड में हूँ, बुंदेलखंड के झांसी में हूँ। झांसी की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है और बुंदेलखंड की कुल मिलाकर 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाती हूँ पोलिंग बूथ की। देखिए सदर विधानसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी है। मैं कहूंगी नवीन से वहां की भी तस्वीरें दिखाएं। देखिए पुलिस फोर्स का वहां पे डिप्लॉयमेंट, आप क्योंकि 7 जैसे ही बस अब कुछ ही मिनट है, इसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और सभी यहाँ पर पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर हम सियासी समीकरणों को समझे तो देखिए ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाना है, और इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर से दांव खेला है, रवि शर्मा को मैदान में उतारा है। और बीजेपी 2012 की बात करें, 2017 की बात करें तो यहां से जीतते हुई आई है, और इस बार यह देखना होगा क्या साइकिल यहां पे दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि बसपा भी यहां पर अब मैदान में है और पूरी कोशिश है कि यह मुकाबला त्रिकोणिया हो। अब देखिए मुकाबला तो बेहद दिलचस्प है करिश्मा, और उस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी दर्शकों को बता दें, फर्रुखाबाद सीट, अगर इस सीट की बात करते हैं तो यहां दिग्गजों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद मैदान में है। और देखिए वहां अगर गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन से सुमन मौर्य मैदान में है, और बीजेपी ने विधायक सुनील दत्त द्विवेदी पर भरोसा जताया है। तो फर्रुखाबाद जिले की कई सीटें हैं जो अति संवेदनशील भी हैं, जिन्हें अति संवेदनशील घोषित किया गया है, लेकिन इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, कई दिग्गजों में कांटे की टक्कर है। तो बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि यहाँ जनता किस पर भरोसा जताती है और किसके लिए वोट कर रही है। और चलिए फर्रुखाबाद में मेरी सहयोगी लवीना है, लवीना ओवर टू यू। बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार तस्वीरें जो हैं वो बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं भी एक पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब से बहुत कम वक्त क्योंकि रह गया, 7 बजे मतदान शुरू होना है। मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी है, किसी भी तरीके की चूक ना होने पाए, क्योंकि बहुत बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है कि थोड़ा माहौल भी कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आता है। ऐसे में कोई भी कोताही यहाँ पर बढ़ती नहीं जाएगी। इसके अलावा फर्रुखाबाद की अगर मैं बात करूँ तो देखिये यहाँ पर जो कड़ी टक्कर है वो अगर कहा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी कई सीटों पर नजर आ रही है तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर निर्णायक मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज भी यहाँ पर है, जो निर्णायक भूमिका विधानसभा चुनाव के लिए निभाने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आते हैं
आपको याद होगा जब वो खुद यहाँ पर आए थे, जनसभा को संबोधित किया था, तो भी जो उन्होंने 5 साल में जो काम किए गए उनको यहाँ से गिनवाने की कोशिश की थी। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 बार यहाँ पर आए थे और जो तस्वीरें अब बदलती हुई नजर आएगी, लोग जब अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। सैफई का इस वक्त मैं रुक कर लेती हूँ, रोहित मेरे साथ मौजूद है। रोहित, आप वहां से क्या तस्वीर इस वक्त दिखा पाएंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि सैफई में मौजूद हूं, बस अब थोड़ी देर का वक्त और है, लगभग 19 मिनट और उसके बाद पोलिंग शुरू हो जाएगी। और सैफई तो देखिए, जितने भी मीडिया के लोग अभी हम लोग अंदर थे, सबको मीडिया को उस पोलिंग स्टेशन से बाहर कर दिया गया है और ये कहा गया है मीडिया बाहर रहेगी क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स यहीं पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बस थोड़ी देर में हालांकि लोगों की मूवमेंट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और सैफई को जो कहा जाता था सैफई की डेवलपमेंट, वो तस्वीर भी यहाँ पर दिखेगी। लेकिन जिस तरह से रोशनी होती जा रही है, रोशनी के बाद कम से कम ये मान रहे हैं कि अब लोगों के अंदर जोश, क्योंकि लोग पोलिंग स्टेशन के पास पहुंच रहे हैं, वो अब थोड़ी देर का इंतजार और है, उसके बाद पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग शुरू हो जाएगी और वो सबसे पहले तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। सबकी निगाहें बस इसी बात पे अटकी हुई है कि यादव परिवार कब यहां पर आएगा, यादव परिवार आके कब वोट देगा, क्योंकि ये यादवगढ़ माना जाता है, सैफई जन्मस्थल सैफई जो है मुलायम सिंह जाटलैंड से अब यादवगढ़ तक चुनावी जो सफर है वो पहुंच चुका है। आपके पास रोहित लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, योगी के मंत्री सतीश माना महाराजपुर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में आज दिखाई देने वाले हैं। 32 साल से लगातार सतीश माना विधायक है, एसपी बीएसपी के उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर हालांकि इस बार मिलती दिखाई दे रही है। तो क्या सतीश माना एक बार फिर से वही वर्चस्व कायम रख पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। कानपुर का मैं रुख कर लेती हूँ, अंजीत मौजूद है वहां पर। अंजीत, ओवर टू यू। देखिए, आपको बताऊं शालिनी की ये बहुत ही मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि पिछले कई बार से हमने ये देखा कि कानपुर में सियासी तौर पर लोग बहुत मजबूती दिखाते हैं और बहुत इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं यहाँ कानपुर में हूँ, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। और ये जरूर है कि जब मतदान शुरू होगा लोग घरों से निकलेंगे क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट, और अब से थोड़ी देर बाद कुल मिलाकर के आप देखिए 17 मिनट का और वक्त बचा है जब मतदान यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं कि तैयारियां लगभग सारी पूरी हो गई हैं और आपको मैं बताऊं कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 17 मिनट बाद मतदान शुरू होगा। सारी तैयारी कोविड डेस्क से लेकर के सारी चीजें से पूरी हो गई हैं, अब से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू होगा। और आपको बताऊं मैं कि कानपुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो 2017 में बीजेपी ने किया था वो इस बार वो करना चाहती है, लेकिन वो कितना कामयाब हो पाएंगे ये बड़ी बात है। अखिलेश यादव खुद यहां पर आए थे अब से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, कई जनसभाएं हुई थी और ये कहा गया था कि सभी लोग इतिहास दोहराना चाहते हैं। चलिए अंजीत, अंजीत वापस लौट रही हूं। देखिए, हर पोलिंग बूथ से तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी महाकवरेज आप हिंदुस्तान पर देख रहे हैं। जो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस से आ रही है, यहां की सादाबाद सीट पर बेहद दिलचस्प कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी से रामवीर उपाध्याय सादाबाद सीट से मैदान में है और देखिए 25 सालों से विधायक है रामवीर उपाध्याय। पहले यहां बीएसपी में वो पहले बीएसपी में थे और वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो प्रदीप चौधरी हैं, उन्हें गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और चलिए मैं रोहित पोखरियाल का रुख कर रही हूं। रोहित, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 3 सीटें आती है ना हाथरस में, एक सादाबाद भी है और जिस शख्स का आपने नाम का जिक्र किया रामवीर उपाध्याय जी हाँ, वो लंबे वक्त तक यहां पर विधायक रहे। बैक टू बैक 5 बार उन्होंने जीत हासिल की लेकिन बसपा के साथ थे, लेकिन अब समीकरण एकदम बदले और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला वाकई वहां पर है, लेकिन आप देखिए क्योंकि जो परिस्थितियां हमने वहां पर मौके पर जाकर जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि वो जमीनी मुद्दे क्या है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हर एक मतदाता बहुत जागरूक नजर आया। रामवीर उपाध्याय काफी उम्र भी उनकी हो गई है, तबियत भी थोड़ी नासाज रहती है, लेकिन बावजूद उसके वो हमें कई जगहों पर नजर आए लोगों से बात करते हुए, संवाद करते हुए, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा वो संवाद कर पाए, जनता की नब्ज को पकड़ पाए। लेकिन वहां पर आपको यह भी बता दें कि हाथरस जो सीट है ना, बसपा का गढ़ माना जाता था और इस बार बसपा किन चीजों के साथ आगे आएगी इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन करहल का रुख करना जरूरी है मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, ओवर टू यू।
बिल्कुल रोहित, देखिए मैं बता दूं कि करहल जिसे हॉट सीट लगातार हम बता रहे हैं, एपिक सेंटर इस बार है, सबकी निगाहें उस पर हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल है। लेकिन देखिए एक और जानकारी मैं यहां पर दे दूं, आज खुद अखिलेश यादव जो है वो सेफई में वोट कर रहे होंगे, लेकिन उनकी किस्मत का जो फैसला है वो करहल में ईवीएम में कैद हो जाएगा। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि देखिए यहां पर चुनौती पहले शुरुआती दिनों में माना जा रहा था कि कोई टक्कर नहीं है, अखिलेश यादव सीधे तौर पर और आसानी से बड़ी है यहां पर जीत जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपके पास वापस लौट रही हूं, और जो बड़ी खबर है वो ये कि अभी सैफई नहीं पहुंचे अखिलेश यादव, लखनऊ में ही है अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा में वोट डालने जाएंगे अखिलेश यादव, उधर सैफई में करीब 10 बजे वोट डालेंगे अखिलेश, हालांकि अभी लखनऊ में ही है, सैफई पहुंचे नहीं है, सैफई में ही वोट डालेगा पूरा यादव परिवार। और देखिए सैफई से तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो वहां मौजूद हैं और आपको पल पल की जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि अभी फिलहाल अखिलेश यादव लखनऊ में ही हैं, इटावा में वोट डालने जाएंगे, और देखिए पहली बार जो है यहां पर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना है एक बार फिर, अब वो पूरा होता है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन जोर आजमाइश जो है पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगाई गई है। चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे हैं शिवपाल यादव, शिवपाल यादव के साथ उनके बेटे आदित्य भी मौजूद हैं, शिवपाल और आदित्य ने मुलायम का आशीर्वाद लिया, तो देखिए भाई बेहद जरूरी भी है। हालांकि अभी जब करहल पहुंचे थे तो यादव परिवार साथ नजर आया था, एक बार फिर शिवपाल पहुंचे हैं भाई के पास आशीर्वाद लेने के लिए, उनका बेटा भी मौजूद है और जसवंत नगर सीट से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि यहां तो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका कब्जा है, तो ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी उनके लिए नहीं कही जा सकती, लेकिन भाई के पास पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो ऐसे में बेहद दिलचस्प मुकाबला है इस बार। और देखिए पूरा यादव परिवार भी पहुंचेगा वोट डालने के लिए। हालांकि अखिलेश यादव की बात करें तो वो अभी फिलहाल लखनऊ में ही हैं और 10 बजे का वक्त बताया गया है जब वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, तो यहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। और देखिए और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पर देख रहे हैं, शिवपाल यादव मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव से, बेटा आदित्य भी मौजूद है, ये तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। देखिए वोट डालने से पहले किस तरह से भाई से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं शिवपाल यादव, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की है जब शिवपाल यादव पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव के साथ, और साथ में आपको तस्वीर में उनका बेटा आदित्य भी नजर आ रहा है। जसवंत नगर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे एक बार फिर चुनावी मैदान में, और हालांकि चुनौती बहुत बड़ी इनके लिए नहीं कही जा सकती है। और चलिए मैं सफाई का सीधा रुख कर रही हूँ, रोहित ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार आपने खबरें तो दे दी, और शिवपाल यादव सभा में पड़ता है सैफई, और शिवपाल यादव जसवंत नगर से ही, और जसवंत नगर में सैफई सीट है, इस पर सबकी नजरें इसलिए भी है क्योंकि पूरा यादव परिवार यहीं पे वोट डालेगा। और अभी तस्वीरें जो हिंदुस्तान ने सबसे पहले दिखाया कि शिवपाल यादव आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव से, मुलायम सिंह यादव भी यहां पे पहुंचेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 10:30 के आसपास हो सकता है मुलायम सिंह यादव भी यहां पे पहुंचे और पिता पुत्र एक साथ फिर से वोट देने भी आए। हालांकि ये भी अपडेट है कि अखिलेश यादव लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए सैफई पहुंचेंगे और 9:30 से 10 बजे के आसपास का वक्त बताया गया है। बिल्कुल रोहित, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, बता दें शिवपाल यादव जसवंत नगर से लड़ रहे हैं चुनाव, एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव और बीजेपी के विवेक शाक्या शिवपाल को चुनौती दे रहे हैं। जसवंत नगर तीसरे चरण की वीआईपी सीट है, प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट है जसवंत नगर, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सीधा मतदान से पहले ही शिवपाल यादव खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के मिलने पहुंचे, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और उनके साथ उनके बेटे भी थे, और ये लगातार कहा जा रहा है। और मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं, मीनाक्षी क्या कुछ आप समझ रही हैं या देख पा रही हैं खासतौर पे मतदान केंद्रों पे सुबह कितने लोग हैं जो अभी पहुंच पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल सुमित, देखिए मैं मतदान केंद्र पर हूँ, एक बार फिर से कहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि तस्वीरें आपको दिखा दें, मतदान केंद्र है ये, और अभी क्योंकि समय अब 7 बजने में बहुत कम समय बाकी है तो लोग धीरे धीरे अब आने लगेंगे यहाँ पर, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों की भीड़ भी नजर आएगी क्योंकि रविवार का दिन है, तो ये भी हो सकता है कि लोग आराम से धीरे धीरे करके उनका पूरा परिवार इकट्ठा होकर एक साथ यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे। लेकिन देखिए सियासी समीकरण की बात कर लें, माहौल की बात कर लें, तो आपको मैं बता दूं करहल की अगर हम बात करें या पूरे मैनपुरी की बात करें, करहल क्योंकि हॉट सीट है इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन पूरे मैनपुरी की बात हो जाना भी बहुत जरूरी
जरूरी यहाँ पर हो जाता है, और इसलिए भी क्योंकि देखिए मैनपुरी में चार विधानसभा सीटें आती हैं, करहल है, मैनपुरी सदर है, किशनी है और भोगांव है, लेकिन भोगांव इकलौती वो सीट है सुमित जिस पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने समाज